जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों आज हम सब इस वीडियो में जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है समास। सबसे पहले हम ये जानेंगे समास किसे कहते हैं। जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों जैसे उदाहरण लीजिए, रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ पर रसोई पहला शब्द हो गया और बीच में के लिए क्या हो गया, कारक चिन्ह है, और ये घर यानी दूसरा शब्द हो गया। तो ये दोनों शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसे क्या वो क्या बना, रसोई घर। इसी प्रकार घोड़े पर सवार, घोड़े यहाँ पे एक शब्द हो गया, पर कारक चिन्ह हो गया और सवार दूसरा शब्द हो गया। इन दोनों शब्दों का जब मेल हुआ तो एक नया शब्द बना। तो इस नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, वह समास कहलाती है। तो ये जो नया शब्द बना ये क्या हुआ, घुड़सवार। इस प्रकार अनेक शब्दों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाना यानी उन शब्दों का एकीकरण करके एक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। और समास करते समय दो शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी बच्चों मैंने जो उदाहरण दिया था रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए और दूसरे वाले उदाहरण में घोड़े पर सवार यानी पर, इन दोनों कारक चिन्हों का लोप हो गया। अब हम पढ़ेंगे समस्त पद तथा समास विग्रह। पहले समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। देखो बच्चों पहले मैंने जो उदाहरण लिया था रसोई के लिए घर का नया शब्द क्या बना था, रसोई घर, और घोड़े पर सवार का नया शब्द क्या बना था, घुड़सवार। तो रसोई घर व घुड़सवार ये दोनों क्या है, ये यही समस्त पद है। और समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है, यानी समस्त पद जिन शब्दों से मिलाकर बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। और जब हम समस्त पदों के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह है, और रसोई घर क्या हो गया, समस्त पद हो गया या सामासिक पद हो गया। इसी प्रकार घोड़े पर सवार समास विग्रह है, और घुड़सवार क्या हो गया, समस्त पद है। समास विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पूर्व पद यानी बच्चों जो पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा शब्द होता है वह उत्तर पद कहलाता है। यानी देखिए उदाहरण में देखिए क्या लिखा है, देश के लिए, और दूसरा उत्तर पद में क्या लिखा है, भक्ति। तो यहाँ पर समस्त पद क्या बन गया, देशभक्ति। अब देखिए कारक चिन्ह देश के लिए भक्ति, तो के लिए का लोप हो गया, तो इन दोनों शब्दों का जब मेल हो गया तो देशभक्ति बना। इसी प्रकार सेना क्या हो गया, पूर्व पद है, और पति उत्तर पद है, तो सेना का पति इसका समस्त समास क्या होगा, सेनापति, और कारक चिन्ह का लोप हो गया। इसी प्रकार घोड़े पर सवार घुड़सवार, और कमल के समान चरण यानी चरण कमल। इसी देखो बच्चों कमल यानी के समान छुपा हुआ है, और चरण कमल चरण, तो इनमें के समान को हम जब लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, चरण कमल। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, समास को छह भागों में विभाजित किया गया है। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीही समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। अव्यय भाव का अर्थ है अव्यय बन जाना। इस समास में दो शब्दों यानी दो पदों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय का काम करता है, इसलिए इस समास को हम अव्यय भाव समास भी कहते हैं। अव्यय भाव समास में क्या क्या होता है, इसमें पहला नियम यह है होता है कि पहला पद यानी जो पहला शब्द होता है वह प्रधान तथा अव्यय होता है। जैसे बच्चों प्रतिदिन, यथाशक्ति। अब देखो प्रतिदिन में क्या हो गया, पहला पद क्या है, प्रति, प्रति क्या है, अव्यय है। इसी प्रकार यथाशक्ति, यथा शब्द क्या है, अव्यय है। तो यानी मैंने क्या बताया था, पहला पद अव्यय होता है जो प्रधान भी माना जाता है, तो ये दोनों शब्द अव्यय होगा, इसलिए इस यह कौन सा समास हुआ, अव्यय भाव समास हो गया। अब दूसरा नियम में क्या होगा बच्चों, शब्दों की आवृत्ति भी पाई जाती है, यानी बच्चों एक ही समान दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे रातों रात, यहाँ पे देखिए बच्चों रातों रात, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और इसी प्रकार हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी एक ही शब्द की आवृत्ति की हुई है। अब देखिए तीसरा नियम यह है कि एक ही शब्द दो बार भी आता है। अव्यय भाव समास में एक ही शब्द कभी कभी दो बार भी आता है, जैसे घर घर, गली गली आदि।
अब मैंने यहाँ पे कुछ अव्ययीभव समास का समास विग्रह किया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे बच्चों मैंने एक उदाहरण लिया है यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययीभव समास है। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे शक्ति के अनुसार यानी यथा शब्द जहाँ पे भी आएगा उसको आप किस में बदल देंगे, के अनुसार में। तो के यथा को बदल के अनुसार में कर देंगे और शक्ति को उसी प्रकार लिख देंगे। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार प्रतिदिन, प्रतिदिन भी अव्ययीभव समास है। अब इसका समास विग्रह कैसे होगा, तो प्रति का क्या कर देंगे, हर, और दिन उसी प्रकार लिख देंगे। तो हर दिन, प्रतिदिन का अव्ययीभव विग्रह क्या होगा, हर दिन। रातों रात का, रात ही रात, यानी योजक चिन्ह हटा के ही का प्रयोग करेंगे, रात ही रात में। और घर घर का, हर घर। अव्ययीभव समास का समास विग्रह भी आपको बच्चों याद कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभव समास में क्या था बच्चों, पहला पद क्या रहता था, अव्यय रहता था, यानी पहला पद ही प्रधान होता था और दूसरा पद गौड़ होता था। लेकिन तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में ध्यान दीजिएगा विभक्ति चिन्ह आएगा। अगर इस विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद, विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे बच्चों कर्ता ने, कर्म को, ये सब पढ़े हो ना आप लोग, कर्म संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की और अधिकरण में पर। तो ये जो कारक के भेद होते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर भी विभक्तियों के भेदों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले, सबसे पहले क्या हो गया, कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म पुरुष तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, को। कर्ता ने कर्म को क्या हो गया, इसका विभक्ति चिन्ह है। तो आप देखोगे बच्चों इस समास में क्या होता है, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्गगत, स्वर्गगत का इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया था, यानी स्वर्ग को गया इसका जब समास किए तो क्या बन गया था, स्वर्गगत। इसी प्रकार जेब कतरा, यानी जेब को कतरने वाला, परलोक गमन, यानी परलोक को गमन। अब हम पढ़ेंगे करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है, से, यानी से चिन्ह का लोप हो जाता है। आप देखिए बच्चों भूख मरा, यहाँ पे क्या है, भूख मरा को क्या कर देंगे हम, भूख से मरा, ठीक है। इसी प्रकार से का लोप हो गया तो क्या बन गया था, भूख मरा। अगला उदाहरण है ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। तो यहाँ पे देखो से तत् यानी जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप होके लक्ष्य भ्रष्ट बन गया था और यहाँ पे ज्ञान युक्त बन गया। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, यानी बच्चों इसमें क्या होगा, समास जब भी हम रहेगा समास करेंगे तो इसमें के लिए चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे बच्चों देखो देशभक्ति, देशभक्ति में आप ही समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, देश के लिए भक्ति, और जब इसका समास किए तो यहाँ के लिए का लोप हो गया। इसी प्रकार सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए यानी के लिए का लोप हो गया तो बन गया सत्याग्रह। अब हम पढ़ेंगे अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष यानी इसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग अलगाव में, यानी अलगाव में यानी अलग होने के अर्थ में इसका चिन्ह से होता है। तो अब देखिए उदाहरण देखिए गुणहीन, यानी गुड़ से हीन, यानी गुड़ से अलग हो जाना, हीन यानी अलग होना, यानी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे से को जब हम हटाएंगे तो गुड़हीन। इसी प्रकार देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग होना यानी देश से निकाल देना, यानी देश से वह अलग हो गया। तो से का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो बन गया देश निकाला। अब हम पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का के की, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे गंगा जल, यानी गंगा का जल, यहाँ पे का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो क्या बन गया, गंगा जल। इसी प्रकार मृत्युदंड, मृत्युदंड में का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो यानी मृत्यु का दंड, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो बन गया मृत्युदंड। इसी प्रकार अब अधिकरण का तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर। जैसे भी देखो बच्चों शरणागत, यानी शरण में आगत क्या हो गया, शरणागत, में का चिन्ह का लोप हो गया, यानी घोड़े पर सवार, इसमें पर चिन्ह का लोप हो गया तो बन गया घुड़सवार। बच्चों समास के और भेदों को मैं इसके बाद वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।